और चलते हैं सीधे श्वेता के पास जो कि इस वक्त जयपुर से हमारे साथ मौजूद है। राजस्थान का हाल जान लेते हैं। श्वेता, राज्यवर्धन राठौर से आपकी विशेष बात हुई थी, खास तौर पर काफी वो नजर आ रहे थे पूरे कॉन्फिडेंट में, उनकी पत्नी भी काफी कॉन्फिडेंट थी। लेकिन ये बताइए, अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें, अगर फैक्टर्स की हम बात करें, तो वहां पर इस बार जो सरकार है मौजूदा बीजेपी की, उसका काम या पिछली बार जब वो रही थी उसका काम मुख्य मुद्दा वहां पर रहा है या फिर लोकल मुद्दा वहां भी इंपॉर्टेंट रहा है? साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे जसवंत सिंह के बारे में भी। अश्विता, दरअसल हम राजस्थान की राजनीति को देखें तो ये काफी हद तक आप पूर्वानुमान के दायरे में इसे समझ सकती हैं, क्योंकि 1998 के बाद से अगर हम देखें तो राज्य सरकार जो आती है चुनकर, उसके फौरन बाद जो भी संसदीय चुनाव होते हैं वहां पर उसी पार्टी की जीत होती है और बड़े फासले के साथ जीत होती है, 20 सीटें हासिल कर लेती है वो पार्टी। यही 98 में हुआ, 2003 में हुआ, 2009 में हुआ, 2014 में देखना है कि क्या होता है। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर वसुंधरा राजे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी के पास आई बहस 21 सीटें और अब तक कांग्रेस का इतना बुरा हाल यहां पर कभी हुआ ही नहीं था। इसीलिए इसी आधार पर वसुंधरा राजे कहती हैं कि उन्हें तो 25 की 25 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता है श्वेता, क्योंकि कई जगह पर हम देखते हैं तो असंतोष है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी और लोगों में भी कि इस उम्मीदवार को यहां से क्यों दे दिया गया। तो उम्मीदवारों को लेकर बहुत सारे सवाल बहुत जगहों पर उठते हैं। उम्मीदवार का ही सवाल था जिसकी वजह से बाड़मेर में जसवंत सिंह सरीखा नेता आज निर्दलीय चुनाव लड़ने को मजबूर रहा था। इन सारी चीजों को देखते हुए ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि वाकई अगर 20 या 20 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करती है तो वो वाकई किस वजह से है, उम्मीदवारों की वजह से है या फिर एक राष्ट्रीय नेतृत्व जो वो देख रहे हैं जिस उम्मीद में वोट कर रहे हैं। लेकिन कम से कम अगर 20 से अधिक सीटें यहाँ पर आने वाली हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत अच्छी खबर हो सकती है पुरानी परंपरा। और कुछ दिनों पहले खुद वहां पर कच्चा चिट्ठा एक तरह से जो पिछली सरकार कांग्रेस की गहलोत सरकार रही थी उसका भी घोटालों का एक कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने रखा गया था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी प्रभावित करे इस बार क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है मतदान में।